प्रिय सज्जनों तथा देवी, इस सप्तदिवसीय सत्संग समारोह के उद्घाटन सत्र में बीते दिन ये चर्चा हुई थी कि सत्संग क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। सत्संग मिलने से हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा होता है, सत्संग नहीं मिलने पर हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा हो जाता है। कि जीवन तो बहुत उत्तम है, जो जीवन हम लोगों को मिला है बहुत गड़बड़ है माए क्या है। ये जीवन बहुत उत्तम है, इतना उत्तम है कि जितना उत्तम हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों का जीवन कितना उत्तम है। प्राचीन ऋषि ने कहा कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्, धरती तल पर मनुष्य से बढ़कर के श्रेष्ठ तत्व कुछ नहीं। महाराज श्री राम ने कहा था अयोध्या वासियों से कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये देव दुर्लभ मानव शरीर हम लोगों को मिला है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि इस देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर तुम अपना कल्याण साधने, मोक्ष प्राप्त करने, सारी प्रतिकूलताओं से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हो तो जो न तरे भव सागरे। राम जी ने भी कहा, कबीर साहब ने कहा कि मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। अगर मानव जीवन में चुक जाता है आदमी तो पीछे लौट जाता है। पीछे लौटने का मतलब है पशु जीवन में, त्रियक जीवन में, जहां केवल दुख ही दुख है। पशु जीवन में जाकर के हम लोग सत्संग नहीं कर सकते हैं, कर्तव्या कर्तव्य का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, इसका निर्णयात्मक बोध नहीं हो सकता है। ये बोध की जगह मानव जीवन है और वो बोध मिलता है सत्संग के द्वारा। देखो सत्संग नहीं मिला है लोगों को, कितनी असावधानी से जीवन जिया जा रहा है। ये जीवन उत्तम है, पहले इस बात को हम लोग समझें भाई बहन। चाहे नर का शरीर हो, नारी का शरीर हो, बहुत उत्तम है। एक तरफ आप लोग ध्यान दीजिए कि मंदिर बनाने वाला कौन है, आदमी के अनावेक कोई शरीरधारी मंदिर तो नहीं बना सकता है। मूर्ति बनाने वाला कौन है, आदमी, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, और उसके सामने तमेव माता चपिता तमेव कह करके नाचने वाला आदमी। जब नाचते गाते मन थक जाता है उठा करके उस मूर्ति को नदी में फेंक देने वाला आदमी। सारे ग्रंथों का निर्माता कौन है, वेद बाइबल कुरान पुराण जितने साहित्य हैं सबका रचयिता आदमी है। अभी हम धीरे से बोलते हैं
हमारी बातों को दूर तक फैला देता है, इसका नाम ध्वनि विस्तारक यंत्र है। ये माइक का बनाने वाला कौन है? पूरा आज कोहरा छाया हुआ है, दिन ही मालूम पड़ता है रात है। इस पंडाल के अंदर जो दोपहर दिन की तरह प्रकाश है, ये बिजली का आविष्कर्ता कौन है? आदमी। हम बैठकर बोल रहे हैं, हमारी बातों को डिब्बा में भरने के लिए कई भाई लोग मोबाइल रखे हुए हैं सामने, वो मोबाइल का निर्माता कौन है? आदमी। धरती पर चार चक्के, दो चक्के, तीन चक्के वाले यान दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसका रचयिता कौन है? आदमी। धरती पर चलते चलते मन उब गया, पंख वाले पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने वाला यान हवाई जहाज बनाने वाला कौन है? आदमी। इस सबसे उत्तम मानव जीवन है, सत्संग करने वाला मनुष्य है, ध्यान करने वाला मनुष्य है, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, ध्यान साधना करके, अध्यात्म बोध प्राप्त करके लोगों को समझाने वाला आदमी है। हम लोग आदमी के अतिरिक्त कुछ तो नहीं थे, राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर मनुष्य के अलावा तो कुछ नहीं है। मीरा सबरी सीता जितनी आदर्श महिलाएं हैं, पार्वती, मनुष्य के अलावा तो कोई कुछ नहीं है। डाकू भी मनुष्य ही है, हत्यारा भी मनुष्य ही है, मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप है। मनुष्य सब कुछ बनने की योग्यता रखता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी है, विद्वान से विद्वान आदमी है। मूर्ख, विद्वान, गरीब, धनवान, इंसान, शैतान, सब आदमी ही होता है। आदमी के अंदर सब कुछ होने की शक्ति है। इन्हें हम अच्छी दिशा में चलें, हम एक सही इंसान बने जिससे समाज में हमारा सम्मान हो और हम सत्संग, भजन, ध्यान, साधना करें। जब शरीर, संपत्ति और परिवार छूट जाने के बाद हमें अविचल शांति मिले, ये सारी क्रियाएं मानव जीवन में ही संभव है। ये सारे रास्ते खुलते हैं सत्संग से। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा है कि अगर तुम सही जीवन जीना चाहते हो तो संगति कीजिए साधु की, साधुओं का संग करो। गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि मायावी चक्कर में तुम नहीं पड़ो, संसार के विषय भोग के दलदल में नहीं धस जाओ, कनक और कामनी में तुम अटको नहीं। इसके लिए क्या करोगे? तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि दीप सिखासन जुबती तन। कामी आदमी कामनी की तरफ इस तरह से आकृष्ट होता है जैसे शाम को जलते हुए दीप पर, दीप शिखा पर कीड़े पतंगे सब गिर करके जल जाते हैं। उसी तरह से कामी कामनी के ऊपर मोहित हो करके और कामाग्नि में जल करके राख हो जाता है, और कामनी कामी पुरुषों पर आकृष्ट होकर के अपने जीवन को दग्ध कर लेती है। गोस्वामी तुलसी कहते हैं अगर उससे बचना चाहते हो, दीप सिखासम जुवतितम मन जनि हो सी पतंग का, बचे कैसे?
तो भजिए राम पद, राम का, गुरु का, तुलसी का इष्ट राम, सूरदास जी का इष्ट कृष्ण, और हम भक्त लोगों का इष्ट गुरु, जिससे जिसको प्रकाश मिलता है, जिससे जिसको सही ज्ञान मिलता है, उसको वो अपना इष्ट मान लेता है। तो तुलसी के इष्ट राम जी हैं, सूर और मीरा के इष्ट कृष्ण हैं, भक्तों के इष्ट गुरु हुआ करते हैं, पुत्र के इष्ट माता पिता हुआ करते हैं, पति का इष्ट पति हुआ करता है। इस बात को भी समझने की जरूरत, व्यवहार में पत्नी का इष्ट पति है, पत्नी का देव पत्नी, पुत्र का माता पिता देव है, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रीति मापन्ने जयंते सर्वदेवता, माता पिता स्वर्ग है, माता पिता गंगा है, माता पिता तीर्थ है। जो संतति निष्ठापूर्वक माता पिता की सेवा करती है उसका नित्य गंगा स्नान हो रहा है, नित्य उसका तीर्थ हो रहा है, और माता पिता स्वर्ग रूप हैं, तो माता पिता की सेवा करने वाली संतानें अपने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में माता पिता देव हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्तव्य कर्तव्य का बोध देने वाला, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका सही बोध देने वाला, ध्यान साधना की युक्ति बताने वाला, सारी अवैज्ञानिक धारणाओं को जीवन से हटा देने वाला, भ्रम को दूर कर देने वाला। अभी अभी हमारे जो ये क्या नाम है जो ये रूम बना रहे हैं, नाम भूल जाते हैं, खुशी लाल दास जी, उनके बेटे के मन में भरम डाल दिया किसी ने कि तुम्हारे बाबूजी साधु हो गए, कल यहां के महंत होने वाले हैं। अब महंत हो जाएंगे तो उनके नाम से जितनी जमीनें हैं ऑटोमेटिक वो मठ की हो जाए। अब बेचारा वो दौड़ा दौड़ा आया कि बाबूजी साधु क्या बने, महंत क्या बने, कि गए हम लोग काम से। उसने अभी आकर के हमसे कहा कि कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, कि वो प्रश्न क्या है, कहा हमारे बाबा हमारे पिताजी साधु हो गए, क्योंकि हम ही तो बनाए, कल इनकी महंती होने वाली है, हमकी होने वाली है, तुमको खतरा? तो किसी ने हमसे कहा कि वो कल महंत हो जाएंगे तो उनके नाम से जमीन जायदाद है सब मठ को लिख देंगे। या महंत हो जाएंगे तो उनके मरने के बाद उस जमीन जायदाद पर मठ का अधिकार हो जाएगा। उनके तुम इस भ्रम को मन से निकाल दो, कल तक तुम्हारे पिताजी तीन बेटे के बाप थे, आज हजारों बेटे के बाप हैं, तुमको जन्म दिया, पाला पोषा, जमीन जायदाद इन्हीं के परिश्रम की देन है, उस सब तुमको छोड़े चले जा रहे हैं। जैसे हजारों लोग उनके भोजन पानी दवा सेवा का प्रबंध करेंगे,
माता पिता की सेवा करना तुम भी धर्म समझोगे तो तुम भोजन पानी का कभी कभी प्रबंध कर देना, सेवा दान दे देना। अगर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुमसे एक पैसा एक दाना कभी भी पानी और सेवा मांगने खुशीलाल दास आज से नहीं जाएगा। उसके जीवन की सारी व्यवस्था तुम अपने हाथ में ले लिए हैं। तुम सभी उनके बेटे हो। आज खुशीलाल दास मेरा बेटा हो गया है। अब मेरा बेटा हो गया तो उसके जीवन की सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है। भोजन कपड़े दवा और शरीर छूटने के बाद अपने नियम से उनका श्राद्ध भंडारा सब मेरे जिम्मे है। कभी भी ये जीवन ज्योति संत कबीर आश्रम इंद्रवा तुम्हारी जमीन पर तुम्हारी जायदाद पर लोभ कभी नहीं करेगा तो इसके पास कमी नहीं रहेगा कुछ। तब बेचारा बहुत चिंतित होकर आया था हमको, यकीन करो मेरी बात पर कि अब ही और इनके शरीर छूटने के बाद तुम्हारी जमीन जायदाद पर इस मठ का कोई हक नहीं होगा, कभी उस पर अधिकार जताने नहीं जाएगा। तुम्हारा चिंतित होकर के आया था और इधर से कहा कि अब हमको कोई संदेह नहीं है। तो किसी प्रकार का भ्रम हमारे पास है, दुर्व्यसन हमारे पास है, अवैज्ञानिक धारणा में हम फंसे हुए हैं, धर्माडंबर में फंसे हुए हैं, अकर्तव्य को कर्तव्य मान रहे हैं, कर्तव्य को अकर्तव्य मान रहे हैं। ये जो जीवन में धुंधलापन है, जो हर समय हम संदेह की स्थिति में जीते हैं, उस संदेह से ऊपर उठा करके संदेह रहित धरातल पर गुरु खड़ा कर देता है। गुरु की शरण में आते आते कल आप लोगों ने सुना था, बड़ा अच्छा क्रम है। जिस भजन को कल राजू परदेशी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया था, सत्संग में आने से सत्संगी का कैसे क्रमिक विकास और सुधार होता है, कल के भजन पर थोड़ा सा आर मनन करने की जरूरत। उस भजन पर मैथिली की छाया है और नेपाल सीमा के अंदर भी बहुत लोग रहते हैं, भाई बहन, तो देखते हैं कि कुछ भोज मैथिली लिए हुए बोलते हैं। आजुक दिन भेल सुदीन, आज का दिन सुदीन हो गया क्योंकि सत्संग मिल गया हम लोग। राम जी ने कहा था ऋषियों से कि धन्य धन्य मैं धन्य मुनीषा। जब ऋषि लोग जाते हैं राम जी के पास तो राम जी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे ऋषिगण, आज मेरा जीवन धन्य 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 हो गया। काका है का तुम्हारे दरस होई अग खीसा, आपके दर्शन से हमारे जीवन के सारे पाप आज खिसक गए, हमारा जीवन निष्पाप हो गया। इसलिए कि हमारे मनीषी ने कहा है कि साधुनां दर्शनं पुण्यम। जैसे आग के पास हम जाते हैं तो गर्मी लगती है, पानी के पास जाते हैं तो ठंडक का अनुभव होता है, उसी तरह से हम संत गुरुजनों के समीप जाते हैं तो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का ज्ञान हो जाता है, अपने जीवन के दोषों का ज्ञान हो जाता है। अज्ञान हो जाता है तो हम बुराई और दोष को मिटाने का प्रयास करते हैं, हमारा जीवन निर्दोष हो जाता है। वो सत्संग मिलना सौभाग्य है। भजन कहता है कि आजुक दीन भेल सुदीन। ये जीवन ज्योति कबीर कुटी के तत्वावधान में
आयोजित सप्तदिवसीय सत्संग समारोह में आने वाले भाई बहनों के लिए दिन सुदिन हो गया।